हेलो गाइस, आज हमारे पास जो मूवी है उसमें हमें एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जो आत्माओं को देख सकता है। मूवी का नाम है घोस्ट ग्रेजुएशन। मूवी की स्टार्टिंग होती है मोडेस्टो से, जो एक पार्टी में एक लड़की को किस कर रहा था, पर बाकी सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे क्योंकि वो हवा में किस कर रहा था। यानी जिस लड़की को वो किस कर रहा था वो एक घोस्ट थी और उसे मोडेस्टो ही देख सकता था। मोडेस्टो की लाइफ बहुत ही अलग थी क्योंकि उसे घोस्ट और इंसानों में फर्क ही नहीं लगता था। वो घोस्ट को बिल्कुल साफ साफ देख सकता था जैसे कि कोई इंसान, और इसी वजह से 7 स्कूल से उसे निकाला जा चुका था और उसे सब पागल समझते थे। मोडेस्टो इस प्रॉब्लम को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, पर साइकोलॉजिस्ट उससे कहता है कि सच तो ये है कि घोस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तभी उसके पीछे एक घोस्ट आ जाता है जो कि उस साइकोलॉजिस्ट का ही फादर था, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, जल्द ही तुम हमारी दुनिया में आओगे और फिर देखते हैं कि क्या असली है और क्या नकली। अब मोडेस्टो एक नए स्कूल में जाता है जो कि काफी सालों से हॉन्टेड था। स्कूल में हम देखते हैं एक स्केलेटन एक स्कूल टीचर का सर प्रिंटर में रखकर उसका फोटो स्टेट निकाल रहा था और उसे तरह तरह से डरा रहा था, और काफी सारे घोस्ट उसे बहुत परेशान कर रहे थे। लेकिन वो सभी आज बहुत डरे हुए थे क्योंकि मोडेस्टो वहां आ गया था। वो सभी मिलकर मोडेस्टो को डराने की कोशिश करते हैं। कोई बुक्स उठाता है, कोई चेयर उठाता है, और कोई स्केलेटन को हवा में उड़ाता है जैसे वो पहले करते थे। पर मोडेस्टो उनसे कहता है, क्या तुम पागल हो, ये तुम क्या कर रहे हो, और सभी उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा आदमी नहीं देखा था जो उन्हें देख सके। अब मोडेस्टो वहां से चला जाता है और सभी घोस्ट उसके पीछे आने लगते हैं, पर मोडेस्टो स्कूल से बाहर चला जाता है। पर वो लोग स्कूल से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी डेथ वहीं हुई थी, और प्रिंसिपल भी नोटिस करती है कि कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है, और मोडेस्टो प्रिंसिपल को बताता है कि स्कूल में घोस्ट है, तो वो कंफर्म हो जाती है और वो घोस्ट उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं, और ज़्यादातर टीचर उनसे परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। और प्रिंसिपल सोचती है कि मोडेस्टो ही स्कूल को बचा सकता है, और वो मोडेस्टो से रिक्वेस्ट करती है कि तुम उन घोस्ट से पूछो कि वो वहाँ क्यों हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो वहाँ से चले जाएं। इस बात से मोडेस्टो काफी खुश था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी एबिलिटी को किसी ने अप्रिसिएट किया, और इस बार उसे स्कूल से निकाला भी नहीं गया। अब मोडेस्टो सभी घोस्ट से मीटिंग करता है, और सभी घोस्ट काफी नर्वस थे क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रहे थे, और सभी उससे अपना इंट्रो देते हैं। एंजेलिना जो कि प्रेग्नेंट थी और 24 साल की थी, पर उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। एक दूसरा घोस्ट जो सारे दिन शराब पीता रहता था। मार्वी, एडवर्ट और डैनी, इन सभी को मरे हुए 20 साल हो चुके थे और वो स्कूल में फंसे हुए थे, और मोडेस्टो डिसाइड करता है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा जिससे वो सभी यहाँ से निकल सकें। मोडेस्टो अब किसी दूसरे घोस्ट को ढूंढता है जो इनकी मदद कर सके। तब वो उस साइकोलॉजिस्ट के फादर के पास जाता है और पूछता है कि क्या कारण होता है कि घोस्ट यहीं रह जाते हैं। तब वो साइकोलॉजिस्ट उसे बताता है कि जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो घोस्ट यहीं रह जाते हैं, क्योंकि जब वो जिंदा थे और अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सके तो इसलिए वो घोस्ट बन जाते हैं। मोडेस्टो अब उनकी एक बात नोटिस करता है कि 20 साल पहले जब वो जिंदा थे तब वो स्टूडेंट होंगे, उस टाइम वो यहाँ से ग्रेजुएट नहीं कर पाए तो वो अब ग्रेजुएट होना चाहते होंगे। मोडेस्टो सभी को बुक्स देता है और बताता है कि उन सभी को अब ग्रेजुएट होना होगा, पर 20 साल पहले की एजुकेशन और अभी की एजुकेशन में काफी डिफरेंस था, और वो मोडेस्टो से बोलते हैं कि वो इस एजुकेशन पर ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तब वो उनसे पूछता है, वो उन्हें एग्जाम्पल देकर समझाता है और बोलता है, अगर मैं काफी ऊंचाई पर फंस जाऊं तो ये एक बड़ा रिस्क होगा। थोड़े टाइम बाद डैनी कहता है, ये सब बकवास है, और एक लड़की को पजेस करता है
और एक दूसरी लड़की को किस करने लगता है। ये सब घोष्ट थे, करने को तो ये कुछ भी कर सकते थे, पर इन्हें कुछ फील ही नहीं होता था और वो इस जगह और नहीं रहना चाहते थे। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे। काफी समझाने के बाद वो समझ जाते हैं और अब इनकी क्लासेस चलने लगती हैं जैसे नॉर्मल लोगों की चलती हैं। और स्टडी की वजह से इनकी लाइफ काफी हैप्पी होने लगी। अब मोडेस्टो की फ्रेंडशिप प्रिंसिपल से भी हो जाती है। इसी बीच जिम्नास्टिक स्टूडेंट उस लड़की को ढूंढ लेता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, बट वो लड़की सुसाइड करना चाहती थी डैनी की वजह से और डैनी भी यही चाहता था। अब सभी का एग्जाम होता है और वो सभी चीटिंग करके एग्जाम में पास हो जाते हैं। सभी काफी खुश थे और सोचते हैं उनके सारे काम पूरे हो चुके हैं। और तभी आसमान से एक वाइट लाइट आती है और कुछ काले बादल उस लाइट को ढक देते हैं और वो देखते हैं कि वो अब भी वहीं हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और सब स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं। और स्कूल में सभी लोग इसके लिए मोडेस्टो को ब्लेम करते हैं और उसे स्कूल से निकाल देते हैं। मोडेस्टो उन घोष्ट के पास लास्ट टाइम मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी लास्ट विश ग्रेजुएट होना नहीं थी, तुम्हारी असली विश कुछ और है, इसी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा पाए। अब डैनी ये रिवील करता है कि 20 साल पहले मेरी वजह से यहाँ आग लगी थी और मेरी वजह से ही काफी बेवजह लोग मारे गए। अब सभी को सोचते हैं कि मोडेस्टो की वजह से वो कितना खुश थे, जो कि पिछले 20 साल से नहीं हुआ। और सभी मिलकर एक लड़की को पजेस करके मोडेस्टो को कॉल करते हैं और उसे स्कूल रिजॉइन करने के लिए बोलते हैं, जिससे मोडेस्टो खुश हो जाता है और वो एग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉन्ग्रेचुलेशन सेरेमनी होती है, मोडेस्टो वापस आता है और इससे प्रिंसिपल बहुत खुश थी। पर तभी वहाँ स्कूल का हेड टीचर आ जाता है और वो कहता है कि इस दुनिया में घोष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती और इसे घोष्ट दिख रहे हैं और ये सब वो घोष्ट सुन रहे थे। तभी वो सब मिलकर बहुत सारी बॉल्स हेड टीचर के ऊपर फेंकने लगते हैं। प्रिंसिपल उससे बहुत आर्ग्यू करती है कि वो मोडेस्टो को वापस रख लें और बातों ही बातों में पता चलता है कि एंजेलिना को मारने के पीछे हेड टीचर का ही हाथ था। और मार्वी अपनी विश मोडेस्टो को बताती है कि वो हमेशा से स्टेज में गाना गाना चाहती थी। मोडेस्टो कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि थोड़ी ही देर में प्रोग्राम होने वाला है। जब सभी स्टूडेंट स्टेज में गाना गा रहे थे तभी मार्वी एक लड़की को पजेस करके स्टेज पर जाके गाने लगती है और वो एक 20 साल पुराना क्लासिक सॉन्ग गाती है जिससे सभी इंजॉय करने लगते हैं और उसके साथ गाने लगते हैं। और तभी स्टेज पे हेड टीचर आता है जिससे डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पजेस कर लेता है और सभी को बहुत इंजॉय कराता है। और जो ड्रंक घोष्ट था उसे बहुत सालों बाद एक पार्टी इंजॉय करने को मिली जिसे वो बहुत इंजॉय कर रहा था। तभी जिम्नास्टिक स्टूडेंट अपनी लवर के पास जाता है पर वो उसके सामने ही सुसाइड कर लेती है, पर वो उसे बचा लेता है और उसे एक किस करता है। और अब हमें दिखाते हैं कि सभी की विश पूरी हो गई थी। एंजेलिना की विश थी कि उसे उसके कातिल का पता चल सके, जो कि इसी स्कूल का हेड टीचर था। मार्वी स्टेज पर गाना चाहती थी, ड्रंक घोष्ट एक रियल की पार्टी इंजॉय करना चाहता था, डैनी की विश थी कि वो सबको अपनी गलती बता सके और सबको एक बार खुश कर सके, जिम्नास्टिक गाय की विश थी कि वो उस लड़की को एक बार किस कर सके। और सभी इस जगह से आज़ाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।